कोरोमंडल एक्सप्रेस 14 साल पहले यानी कि 13 फरवरी 2009 को भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। इफ्तिहाक की बात है कि यह हादसा भी शाम के 7 बजे के करीब ही हुआ था। ट्रेन जाजपुर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, इसी दौरान वह गलत ट्रैक पर चली गई और उसकी 8 बोगियां पलट गईं। हादसे में 16 यात्रियों की मौत हुई थी और 40 से ज़्यादा घायल हुए थे। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ। हमने जिम्मेदारों की भी पहचान कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वह होता है जिसमें ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है।